अटल टनल जो है स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अटल टनल राजस्थान हाथ नीचे, बहुत ही सुंदर नजारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फेंकी हुई है। ये एंट्रेंस अटल टनल का 40 किलोमीटर की स्पीड दिखा रहा है, इस पे इससे ऊपर नहीं जाना है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, इसमें जैसे हमने भैया ने बताया है कि कम से कम 400 करीब कैमरे लगे हुए हैं। कितने लगे हैं भैया इसमें? 300 से 400 कैमरे इसके अंदर लगे हुए हैं। और अगर आप कुछ भी यहाँ पे उल्टी सीधी हरकत करते हो लौंडे लफाड़ी वाली, तुरंत जो है आपको ट्रैक कर लिया जाएगा, आर्मी तुरंत आ जाएगी और आपको पकड़ के ले जाएगी। फिर समझ लो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है इस टनल के अंदर। वी आर वेरी लकी कि हम लोग इसके अंदर आए हैं, भैया हमें ले आए हैं। ये टनल जो है पूरी कितने किलोमीटर लंबी है भैया? 9 किलोमीटर लंबी टनल है ये। तो हम टनल के उस पार निकलेंगे? उस पार निकलेंगे। ये एशिया की सबसे बड़ी टनल है, बताइए। बहुत बढ़िया। तो भैया कल तक हमारी जो गलतफहमी थी कि हमें अटल जी ने पत्थर रखा है, बट पता चला है अभी थोड़ी देर पहले भैया ने बताया है कि इंदिरा गांधी के टाइम से इसका काम मतलब प्रोसेस में चल रहा था। ऑथेंटिकेट सिचुएशन नहीं है। और हाँ, अभी कुछ क्लियर भी नहीं है और इसको बनने में 9 से 10 साल लग गए पूरा कंप्लीट होने में इसको। गाइज यहाँ पे अगर अभी आते हैं तो कोई नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ BSNL चलेगा। अभी पीछे एक टावर निकला है BSNL का, तो जब भी इस टनल के अंदर घुसे और ट्रैवल करें तो घर वालों को बता दें अपने कि भैया नेटवर्क नहीं आएगा। क्योंकि और ये जो टनल है 2 से 3 बजे करीब बंद हो जाती है 1 घंटे के लिए, क्योंकि गाड़ी काफ़ी सारी इसके अंदर होके गुजरती हैं तो काफ़ी धुआं पोल्यूशन हो जाता है, तो उसको एग्जॉस्ट करने के लिए 2 से 3 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद करा जाता है इसको। भैया ने बताया कि अभी इसके इस टनल के नीचे भी एक और टनल है यार, ये बड़ा नई चीज़ हमें पता लगी आज। तो गाइस बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जा रही है, ये आपको पता नहीं होगा। तो बढ़िया है, नीचे एक टनल है, बताइए टनल के ऊपर टनल, मतलब हमने ब्रिज के ऊपर ब्रिज सुना था, टनल के ऊपर टनल आज पहली बार सुन रहे हैं अभी। पानी नीचे को नहीं जाता है, ऊपर को जाता है पहाड़ी में। पानी ऊपर की तरफ जा रहा है? पानी जा रहा है ऊपर पाकिस्तान को। अच्छा जी, कैसे होगा अभी अभी दिखाओगे? अरे वाह। तो गाइज ये वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है यार, ये प्लीज यार इस वीडियो को लाइक बहुत करिए, इसको बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही इन्वेस्टमेंट हुई है इस वीडियो को बनाने के लिए आपके लिए। जैसे हम लोग टनल क्रॉस करेंगे ना, वैसे आएगा पानी, चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी राइट, ऊपर की तरफ जाती है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की तरफ जाती है, बहुत ही बढ़िया। मैं कुछ लेटर लिख के भेजूंगा, चला जाएगा पाकिस्तान? ठीक है, जोक से पार्ट। जब टनल चालू होती है ना तब बिल्कुल लाइटिंग ज्यादा है, ज्यादा सेंटर में लाइटिंग कम हो जाती है। और जब खत्म होने वाली होगी टनल तभी लाइटिंग ज्यादा हो जाएगी। ये पूरा BRO इकट्ठी में है। अच्छा, मेंटेनेंस का काम चल रहा है ये। तो ये रीजन क्या है इसका, मतलब वो लुक वाइज के लिए लगा दी स्टार्टिंग में? जैसे हम लोग जाएंगे तो एकदम अंधेरा ना लगे, इसलिए ज्यादा लाइटिंग है बीच में, फिर हैबिचुअल हो जाएंगे। हाँ वो तो एक स्पीड में लेके चलेंगे तो 9-10 मिनट। हाँ
आगे देख ले 4/26 जा रही है और ये एक ही पहाड़ है जिसको। तो गाइस अब टनल जो है खत्म होने वाली है, मतलब पूरी होने वाली है। तो देखिए लाइटिंग तेज हो गई। अभी हमारे वृद्धा जी ने बताया है कि जब टनल स्टार्ट होती है तो लाइटिंग ज्यादा होती है और टनल के बीच में आके लाइट कम हो जाती है, और जब टनल खत्म होती है जब हम पूरा ट्रैवल कर लेते हैं तब भी लाइट तेज हो जाती है। अब ये देखिए आगे, वाकई में इन्होंने सही कहा था कि लाइटिंग ज्यादा है ताकि जब बाहर निकले तो रिफ्लेक्शन उस हिसाब से रखा गया है। तो गाइस ये था अटल टनल के अंदर का ट्रैवल। मास्क पहनो, मास्क जरूरी है, 2 गज दूरी मास्क जरूरी, ये स्लोगन हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कोरोना हमारी जिंदगी से जुड़ चुका है। वाह।